Hello guys, in this lecture we are going to talk about electromagnetic induction in detail. Last lecture में भी हमने electromagnetic induction के बारे में बात की थी, EMI इसके बारे में बात की थी. अब इस lecture में हम उस EMI पे dependent एक बहुत important component या फिर बहुत important device के बारे में study करने वाले हैं, and then we'll talk about that device in detail. ठीक है, तो उस device का नाम है इलेक्ट्रिक जनरेटर. ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में हम बात करने वाले हैं. फाइन, अब इसमें होगा क्या ठीक से देखना. नाउ अब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये वाला जो पार्ट है, ये वाले पार्ट के बारे में हमने बात की थी. व्हाट डू यू मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? व्हेनेवर देयर इज चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड विथ अ पर्टिकुलर लूप, टू बी प्रिसाइज whenever there is change in magnetic field related to a area of the particular loop, then in that loop current is induced. मैंने induced के बारे में बताया था आपको कि what is meant by inducing. ठीक है, induce होता है यानी क्या होता है कि भाई वहां पे सोर्स नहीं है फिर भी वहां पे करंट जनरेट हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, induce. इंडक्शन कहा जाता है उसको. सो वहां पे इंड्यूस होता है करंट. ये जो इंड्यूस्ड करंट होता है, इट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड विथ That particular area of loop. ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रिक जनरेटर में हम उसको कैसे यूज करते हैं. ठीक है, तो सिमिलर सेटअप है जैसे हमने इलेक्ट्रिक मोटर का सेटअप देखा था, वैसे ही सिमिलर सेटअप है इलेक्ट्रिक जनरेटर का. ठीक से देखना, क्या होगा, यहां पे एक एन पोल नॉर्थ पोल, यहां पे एक साउथ पोल एस पोल. ठीक है, और उन दोनों के बीच में मैं एक लूप रखूंगा, उन दोनों के बीच में लूप रखूंगा. तो सपोज कंसिडर करके चलो ये एक लूप है. ठीक है ना, ये एक लूप है. इस लूप में ये है ए बी सी डी. ठीक से देखना, ये है ए बी सी डी और मैंने इसको इसके अंदर रख दिया. मैंने क्या किया, इसको इसके अंदर रख दिया. अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कहता है मुझे एस बी आई मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट. एस बी आई, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन एसबीआई. याद रखने के लिए इजी है इसलिए मैं एसबीआई कह रहा हूं. ठीक है, तो अब देखो यहां पे होगा क्या, यहां पे ये है आपका ए बी सी डी, ऐसे रखा मैंने. ऐसे रखने के बाद व्हाट आई डिड, आई स्टार्टेड मूविंग दिस लूप. मैं इस लूप को मूव करना शुरू कर दिया, मैंने इस लूप को मूव करना शुरू कर दिया. अब इंटरेस्टिंग पार्ट देखो, यहां पर जब ये लूप ऐसे था, जब ये लूप ऐसे था, तो इस लूप का ये अंदर वाला जो एरिया है, इस एरिया को क्रॉस करके जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड कैसे थी, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो पता है. जैसे ही मैंने इसको यहां पे रख दिया, ठीक से देखना, जैसे मैंने इसको यहां पे रख दिया, इस लूप के एरिया को क्रॉस करके जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, जीरो. इसको क्रॉस करके नहीं जा रही, इसको पैरेलल जा रही है. इसको क्रॉस करके जाना है, इसको छेद के जाना, वैसे तो नहीं जा रही है, इसको पैरेलल जा रही है. अगर मैग्नेटिक फील्ड इसको पैरेलल जा रही है तो इसमें करंट है, ठीक है ना, वैसे भी चेंज नहीं हो रहा, वैसे भी कांस्टेंट है. जैसे ही मैंने इसको घुमाना शुरू कर दिया, देखो ठीक से, जैसे ही मैंने इसको घुमाना शुरू कर दिया, ठीक है, वैसे वैसे इसको क्रॉस करके जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगी. मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहां पे मिली मुझे, यहां पे मिली. उसके बाद मैं और घुमाना शुरू कर दिया तो यहां पे आते हुए कम हुई, उसके बाद फिर से बढ़ती गई, फिर से कम हुई, फिर से बढ़ती गई, फिर से कम हुई. गेटिंग द पॉइंट, यानी मैं क्या कर रहा हूं कि मैं उस लूप को घुमा रहा हूं, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड विद दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ लूप कंटिन्यूअसली चेंजिंग. यानी यहां पे कम है, अब थोड़ी ज्यादा, बड़ी 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 मैक्सिमम, उसके बाद कम हुई, कम हुई, कम हुई, कम हुई, कम हुई, मिनिमम, उसके बाद अगेन बड़ी 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 मैक्सिमम. राइट, चलेगा. अब देखो, तो मैंने ऐसे घुमाना उसको शुरू कर दिया, ठीक से देखना, मैंने उसको घुमाना शुरू कर दिया. अब देखो यहां पे होगा क्या, अब इस लूप, ये लूप है, इस लूप के अक्रॉस जो, इस लूप के थ्रू जाने वाले मैग्नेटिक फील्ड क्या हुई, चेंज हुई. इसका मतलब इसमें करंट इंड्यूस होगा. तो वो कैसे होगा, कौन बताएगा मुझे, कौन बताएगा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बताएगा. अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कैसे बताएगा मुझे, ठीक से देखना. अब देखो यहां पे ये एबी वाला जो पार्ट है, एबी वाला पार्ट ऊपर जा रहा है, यानी उसकी मोशन किस डायरेक्शन में है, ऊपर वाले डायरेक्शन में. ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये है एस
बी एंड आई, एस, एस की डायरेक्शन ऊपर वाली डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, उस तरफ है, मोशन की डायरेक्शन इस तरफ है, तो करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी, अंदर की तरफ यानी फ्रॉम ए टू बी, गेटिंग द पॉइंट, कहां से कहां तक होगी, फ्रॉम ए टू बी, देखो ठीक से, ये ऊपर जा रहा है, ये वाला पार्ट ऊपर जा रहा है, गेटिंग द पॉइंट, सो एस ऊपर जा रहा है, बी, बी की डायरेक्शन यही है, हाँ यही है बी की डायरेक्शन, बी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही है, तो ठीक है मुझे क्या दिखाएगा, वो अंदर वाली डायरेक्शन में दिखाएगा, गेटिंग द पॉइंट, अंदर वाली डायरेक्शन में, तो ये वाली डायरेक्शन अंदर वाली डायरेक्शन यानी ए टू बी करंट फ्लो हो रहा है, ए टू बी करंट फ्लो हो रहा है, वैसे ही यहां पे देखो क्या होगा, यहां पे देखो ये नीचे जा रहा है, ठीक है ये नीचे जा रहा है, अब एस बी आई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही है, लेकिन अब क्या हो रहा है, वो नीचे जा रहा है, अगर वो नीचे जा रहा है ठीक से देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही है, नीचे जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन विल बी आउटवर्ड, करंट की डायरेक्शन विल बी आउटवर्ड, अगर करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड, इसका मतलब कहां से कहां तक, सी टू डी, यानी करंट कैसे, इस डायरेक्शन में करंट कैसे फ्लो रहा है, ए टू बी, इस डायरेक्शन में सी टू डी, यानी बेसिकली करंट कैसे फ्लो रहा है, ए बी सी डी, समझ में आई बात, ए बी सी डी करंट फ्लो रहा है, ठीक से देखो, यानी जैसे जैसे मैं ऐसे बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे ए बी सी डी डायरेक्शन में जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी बढ़ता जाएगा, बिकॉज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, बेसिकली इंक्रीज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, चेंज इज इंक्रीजिंग, चेंज इज इंक्रीजिंग मीन्स बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड विद दैट पर्टिकुलर एरिया इंक्रीज हो रहा है, यानी यहां से लेकर यहां तक जाऊंगा तो करंट इंक्रीज होता हुआ जाएगा, यहां पे इस पोजीशन पे करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, इस पोजीशन पे करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, उसके बाद ऐसे गया तो यहां पे इस पोजीशन पे अगेन करंट क्या होगा, मिनिमम होगा, गेटिंग द पॉइंट, उसके बाद स्लोली स्लोली बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, यहां पे आने के बाद फिर से मैक्सिमम, उसके बाद बढ़ता जाएगा यहां पे आने के बाद फिर से मिनिमम, गेटिंग द पॉइंट, सो दिस इज हाउ द करंट इज गोना फ्लो, ठीक है, दिस इज हाउ द करंट इज गोना फ्लो, अब और एक चीज, तो ये समझ में आ गया आपको कि करंट ऐसे 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 फ्लो होगा, इट विल कंटिन्यूअसली गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, अब हम इसको टॉप से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, तो मुझे लूप दिखाई देगा ऐसे, ठीक है, ऊपर से देख रहा हूं हम लोग, अगर ऊपर से देख रहे हैं तो ये है ए बी सी और डी, करंट फ्लो कैसे हो रहा है, ए बी सी डी, अब पीछे क्या होता है, इसके पीछे देयर इज अ मैकेनिज्म विथ ब्रशेस, ठीक है ना, देयर इज अ मैकेनिज्म विथ ब्रशेस एंड लिंक्स, ठीक है ना, ये वाला यहां पे बी वन ब्रश कंसिडर करो, यहां पे बी टू ब्रश कंसिडर करो, ठीक है, जो आपको आउटवर्ड वर्ड, ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर है यहां पे, ठीक है, अब देखो करंट कैसे फ्लो हो रहा है, अब देखो करंट कैसे फ्लो हो रहा है, करंट कैसे फ्लो होगा, ये गोल घूम के ऐसे चला गया, देखो ठीक से, ये गोल घूम के ऐसे चला गया, करंट वॉज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी टू सी टू डी, ठीक है, यानी करंट कैसे फ्लो हो रहा था, बेसिकली बी टू टू बी वन फ्लो हो रहा था, सही है ना, अगर आप पूरा लूप कंसिडर करो तो ए टू बी टू सी टू डी टू बी टू टू गैल्वेनोमीटर थ्रू बी वन पे आ रहा था, यानी करंट कैसे फ्लो हो रहा है, बी टू टू बी वन फ्लो हो रहा है, गेटिंग द पॉइंट, यानी जब ये ऐसे फ्लो के ऐसे हुआ, उसके बाद ऐसे हो गया, यानी ये था ए बी सी डी, ठीक है, फ्लो होके ऐसे हो गया, अब ये डी सी बी ए इस कंडीशन में आ गया, देखो ठीक से, इस कंडीशन में आ गया बी सी बी ए फ्लिप होके, फ्लिप होके इस कंडीशन में आ गया, अब ये वाला जो डीसी है, यानी ये वाला जो डीसी गोल घूम के आया हुआ है, ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, देखो ठीक से, ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, अगर मैं उसको घुमा रहा हूं तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, जैसे ही ऊपर जाने की कोशिश करेगा, जैसे ही ऊपर जाने की कोशिश करेगा, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम डी बी सी ए, ठीक, सॉरी डी बी सी नहीं, डी सी बी ए, इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, आई विल जस्ट रिमूव दिस वन, डी सी बी ए, ठीक है, एक फ्लिप हो गया है, वी आर टॉकिंग अबाउट एक फ्लिप, पहले फ्लिप में क्या हुआ, ए बी सी डी करंट फ्लो हुआ, अब फ्लिप हो गया, अभी ये डी सी बी ए है, नाउ ये डी सी बी ए में से ये जो डी सी ये वाली ब्रांच है, ये ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, ये नीचे जाने की कोशिश कर रही है, पहली केस में जब पहले हम बात कर रहे थे तो करंट वॉज फ्लोइंग फ्रॉम ए बी सी डी, यानी सी टू डी करंट फ्लो हो रहा था, सी टू डी करंट फ्लो हो रहा था, लेकिन जब ये फ्लिप होके ऐसे हो गया एंड अगेन इट स्टार्टेड मूविंग अप, देन अगेन स्टार्टेड मूविंग अप,
अब एक्चुअली करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है, डी टू सी फ्लो हो रहा है, गेटिंग द पॉइंट, डी टू सी फ्लो हो रहा है, यानी लूप में करंट कैसे फ्लो हो रहा है, डी सी बी ए करंट फ्लो हो रहा है, यानी पहली केस में ए टू बी करंट जा रहा था, अब बी टू ए जा रहा है, बी टू ए जा रहा है, पहली केस में सी टू डी करंट गया था, सी टू डी करंट गया था, अब इस केस में डी टू सी करंट जा रहा है, समझ में आई बात, लूप में करंट की डायरेक्शन चेंज हुई, यस लूप में करंट की डायरेक्शन चेंज हुई, लेकिन ये जो पीछे मैकेनिज्म होता है, इस मैकेनिज्म पे बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट होती है, बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट होती है, यानी एक केस आपके पास ऐसे है जिस केस में यहां पे B1 है, यहां पे B2 है, ठीक है, ऊपर वाली जो है वहां पे A B C D करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, A इज कनेक्टेड टू B1 एंड D इज कनेक्टेड टू B2, ठीक है, A इज कनेक्टेड टू B1 एंड D इज कनेक्टेड टू B2, ठीक है, दो टाइप के मैकेनिज्म होते हैं, एक स्प्लिट रिंग मैकेनिज्म होता है, एक स्लिप रिंग मैकेनिज्म होता है, स्प्लिट रिंग मैकेनिज्म एंड स्लिप रिंग मैकेनिज्म, ठीक से देखना, स्प्लिट रिंग मैकेनिज्म एंड स्लिप रिंग मैकेनिज्म, ऐसे दो टाइप के मैकेनिज्म होते हैं, उसमें से जो स्प्लिट रिंग मैकेनिज्म होता है, देखो पहला वाला मैकेनिज्म जो हमने इलेक्ट्रिक मोटर में पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है ना, स्प्लिट रिंग मैकेनिज्म, उसमें होता क्या है, उसमें यह होता है कि दिस ए जब यह फ्लिप होके ऐसे हो जाता है, जब फ्लिप होके ऐसे हो जाता है एंड डी सी बी ए ऐसी कंडीशन आ जाती है, उस टाइम पे द स्प्लिट रिंग मैकेनिज्म क्या करता है, स्प्लिट रिंग मैकेनिज्म इस ड्यूरिंग दिस इनिशियली ए वॉज कनेक्टेड टू बी वन एंड डी वॉज कनेक्टेड टू बी टू, गोल घूमने के बाद नाउ डी इज कनेक्टेड टू बी वन एंड ए इज कनेक्टेड टू बी टू, यानी पहली केस में, केस वन में क्या हो रहा था, ए वॉज कनेक्टेड टू बी वन एंड डी वॉज कनेक्टेड टू बी टू, ठीक है ना, एक फ्लिप होने के बाद ए इज कनेक्टेड टू नाउ बी टू एंड डी इज कनेक्टेड टू नाउ बी वन, ये फ्लिप होने के बाद इसने क्या किया, इसका साथ छोड़ दिया और इसके साथ चला गया, किस लिए, बिकॉज इन बोथ केसेस करंट इज फ्लोइंग क्लॉकवाइज, बोथ केसेस एबीसीडी ले लो या फिर डीसीबीए ले लो, तो इन दोनों केसेस में करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, ठीक है, इसका मतलब फ्रॉम B2 टू टू बी वन, यानी दोनों केसेस में B2 टू टू बी वन करंट की डायरेक्शन यही है, करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब ये वाला जो जनरेटर है, ये वाला जनरेटर डीसी जनरेटर है, ये वाला जनरेटर कैसा है, डीसी जनरेटर है, ये वाला जनरेटर डीसी जनरेटर है, लेकिन सपोज दूसरी केस कंसिडर करते हैं कि भाई ये ए बी सी डी, ठीक है, ये ए बी सी डी लूप है, ए इज कनेक्टेड टू बी वन एंड डी इज कनेक्टेड टू बी टू, ठीक है, ए इज कनेक्टेड टू बी वन एंड डी इज कनेक्टेड टू बी टू, तो पहले फ्लिप के वक्त क्या हुआ, पहले फ्लिप जब नहीं हुआ था तब क्या हुआ, तो करंट ऐसे 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 फ्लो हो रहा था, यानी करंट वॉज फ्लोइंग फ्रॉम बी टू टू बी वन करंट फ्लो हो रहा था, एंड क्या हो रहा था, ए वॉज कनेक्टेड टू बी वन एंड डी वॉज कनेक्टेड टू बी टू, ऐसे कनेक्टेड था, स्लिप रिंग मैकेनिज्म, ठीक है ना, स्लिप रिंग मैकेनिज्म में क्या होता है, ए इज ऑलवेज कनेक्टेड टू बी वन, ए इज ऑलवेज कनेक्टेड टू बी वन, यानी इन दोनों की जोड़ी सलामत रहे, और बी डी और बी टू इन दोनों की भी जोड़ी वैसी ही रहेगी, देयर विल नॉट बी एनी चेंज, यानी अब क्या होगा, एकदम इनिशियल फेज में क्या होगा, एकदम पहली लूप में क्या होगा, करंट विल बी फ्लोइंग फ्रॉम B1 to A to B to C to D to B2. सेकेंड केस में जब यह फ्लिप होके आएगा, सेकेंड केस में जब फ्लिप हो गया आएगा, तो यहां पे होगा D, यहां पे होगा C, यहां पे होगा B, यहां पे होगा A, ठीक है, लेकिन अब स्टिल D विल बी कनेक्टेड टू B2 ओनली, D विल बी कनेक्टेड टू B2 ओनली, ठीक है ना, वो ट्विस्टिंग हो जाए कुछ हो जाए डजंट मैटर, D will be always connected to B2 and A will be always connected to B1. अब करंट कैसे फ्लो हो रहा है, D C B A, यानी अब करंट कैसे फ्लो होगा, ठीक से देखना,
करंट विल बी फ्लोइंग फ्रॉम डी सी बी ए, सो डी इज कनेक्टेड टू बी टू. यानी अब सेकंड केस में, सेकंड केस में भी क्या होगा, ए इज कनेक्टेड टू बी वन ओनली एंड डी इज कनेक्टेड टू बी टू ओनली. लेकिन सेकंड केस में करंट कैसे फ्लो होगा, करंट विल बी फ्लोइंग फ्रॉम बी टू टू डी सी बी ए बी वन. करंट विल बी फ्लोइंग लाइक दिस, करंट विल फ्लोइंग लाइक दिस, ऐसे होगा. यानी करंट इनिशियल केस में करंट कैसे फ्लो हो रहा था, बी वन टू बी टू, सेकेंड केस में क्या हो रहा है, बी टू टू बी वन करंट फ्लो हो रहा है. That too increasing, यानी अब क्या होगा, A direction में current flow होता हुआ increase होता हुआ जाएगा and then decrease होता हुआ जाएगा पहले flip के वक्त. यानी increase होता गया maximum, उसके बाद कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, कम. ये पूरी केस में current was flowing from B2 to B1, current was flowing from यहां पे गलत हो गया हमारा, फाइन ठीक है चलेगा ओके. सो बी टू टू बी वन फ्लो हो रहा है फर्स्ट केस में. सेकंड केस में क्या हो रहा था, बी वन टू बी टू ऐसे करंट फ्लो हो रहा होगा, बाकी सब कुछ सेम. यानी ए सॉरी बी वन टू बी टू, बी वन टू बी टू, देन बी टू टू बी वन, देन बी टू टू बी वन, जीरो टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू मिनिमम, देन जीरो टू मैक्सिमम इन द अदर डायरेक्शन and maximum to minimum in the same other direction. Getting the point? This is how it works. So ये वाला जो होता है, ये इस generator को हम क्या कहते हैं, AC generator. AC generator में कौन सा mechanism use होता है, slip ring mechanism, and DC generator में कौन सा होता है, split ring mechanism. ठीक है, दोनों cases में, ठीक है, दोनों cases में क्या होता है, दोनों cases में current flow होता है clockwise ही, लेकिन पीछे वाला जो पार्ट होता है स्प्लिट रिंग मैकेनिज्म में, एक बार ए कनेक्ट होता है बी वन से, एक बार डी कनेक्ट होता है बी वन से, टू कीप द डायरेक्शन ऑफ करंट सेम. लेकिन यहां पे क्या होता है, ऑलवेज ए इज कनेक्टेड टू बी वन एंड डी इज कनेक्टेड टू बी टू, वो हमेशा के लिए कनेक्टेड होते हैं, इसलिए एक बार करंट एबीसीडी फ्लो हो रहा है, एक बार डीसी बीए फ्लो हो रहा है, लेकिन इसकी वजह से करंट इज ऑलवेज चेंजिंग द डायरेक्शन एबीसीडी, यानी बी वन ए बी सी डी बी टू, उसके बाद सेकंड एक फ्लिप होने के बाद, ठीक है ना, एक फ्लिप होने के बाद करंट विल बी फ्लोइंग फ्रॉम बी टू डी सी बी ए ए, ठीक है ना, बी वन ऐसे फ्लो हो रहा होगा. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये वाला जो पार्ट होता है ये वाला होता है, एसी जनरेटर वाला पार्ट है, ये डीसी जनरेटर वाला पार्ट है. एसी डीसी जनरेटर में सिर्फ ये मैकेनिज्म अलग है, दैट इज स्प्लिट रिंग यूज कर रहे हैं कि स्लिप रिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है. सो दिस इज हाउ इट वर्क, ये होता है आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है. अब दो तीन चीजें होती है जनरेटर में कि why we go for AC generation than DC generation. सर AC जनरेट करते हैं वैसे DC जनरेट करते हैं, पहले आपको बता देता हूं कि आपका जो मोबाइल का चार्जर वगैरह जो होता है ना, बेसिकली दैट कन्वर्ट्स द AC, आपके घर में AC आता है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला था, वो जो AC होता है उस AC को DC में कन्वर्ट करके यूज करते हैं. सर ऐसे क्यों नहीं होता है, बिकॉज एसी को एक काम करते हैं सर, एसी को एक जनरेटर तैयार करते हैं जो आपके घर में एसी देगा और दूसरा एक जनरेटर तैयार करेगा आपके घर में डीसी देगा. ऐसे दो अलग अलग टाइप के जनरेटर क्यों नहीं होते हैं, ऑल द पावर प्लांट्स जनरेट द एसी, व्हाई नॉट डीसी. सो उसके दो रीजन होते हैं. सबसे पहला रीजन होता है कि जब कभी भी आप इलेक्ट्रिक जनरेशन करते हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी आपको लॉन्गर डिस्टेंस के लिए लेके जानी पड़ती है. ड्यूरिंग दैट लॉन्गर डिस्टेंस, ड्यूरिंग दैट लॉन्गर डिस्टेंस, आपका जो भी एसी का पावर है, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी का पावर है, पावर कंटेंट होता है, वो पावर कंटेंट कम नहीं होना चाहिए. एंड डीसी पावर इज वेरी वल्नरेबल फॉर द नॉइस, वो बहुत जल्दी करप्ट हो जाता है, वो बहुत जल्दी करप्ट हो जाता है. इसलिए हम डीसी यूज नहीं करते हैं, एसी ही जनरेट करते हैं और एसी ही ट्रांसमिट करते हैं. दूसरा रीजन ये होता है कि डीसी और एसी इन दोनों में पावर कंटेंट एसी में ज्यादा होता है. Why? Because वो क्यों होता है, कैसे होता है, आपको 11th में जाने के बाद है, अभी के लिए उसकी जरूरत नहीं है. लेकिन the thing is कि वो क्यों होता है, because क्यों हम यूज करते हैं AC? The reason is AC में पावर कंटेंट ज्यादा होता है, DC में पावर कंटेंट कम होता है, पहला रीजन. दूसरा रीजन क्या है, DC is more prone to the noise than AC. DC बहुत ज्यादा नॉइस के लिए prone होता है, very vulnerable for the noise. So, इसलिए हम वी डोंट गो फॉर द डीसी जनरेशन, वी गो फॉर द एसी जनरेशन. और हमारे घर में आने के बाद जैसे हमें रिक्वायरमेंट होती है वैसे हम उसको यूज करते हैं बाय यूजिंग द कन्वर्टर्स.
एसी टू डीसी कन्वर्टर, आपका जो भी चार्जर होता है वो एसी टू डीसी कन्वर्टर होता है, लेकिन आपका पंखा जो होता है वो एसी पे चलता है, आपका फ्रिज जो होता है वो एसी पे चलता है, हेवी हेवी जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आपने देखा होगा, हेवी इंस्ट्रूमेंट्स जो भी होते हैं वो सारे एसी पे चलते हैं, बिकॉज एसी कंटेंट्स मोर पावर देन डीसी। ठीक है, एसी कंटेंट्स मोर पावर देन डीसी। आपका मोबाइल जो होता है उसके अंदर जो बैटरी होती है वो आपको क्या प्रोवाइड करती है, एसी की डीसी, डीसी बैटरी में जो भी, बैटरी से जो भी हमें पावर मिलती है, सेल से जो भी हमें पावर मिलती है, वो सारी पावर कैसी होती है, डीसी, वो सारी पावर डीसी होती है, लेकिन उसमें अमाउंट ऑफ पावर कंटेंट कम होता है, इसलिए छोटे छोटे डिवाइसेस के लिए यूज किया जाता है। बड़े बड़े डिवाइसेस के लिए वी ऑलवेज गो फॉर द एसी बिकॉज पावर कंटेंट ज्यादा होता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ योर चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी खत्म होता है यहाँ पे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट फ्यू न्यूमेरिकल्स एंड फ्यू एग्जाम्पल्स ऑन इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो भी ट्राई करेंगे, देन वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज बिलो द टेक्स्ट बुक। थैंक यू।